नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती से उनके एजेंडा पर पानी फिरना तय है। दरअसल अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हाउडी मोदी में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हों। यह पहली बार होगा कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के ऐसे कार्यक्रम में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल रहेगा। जहां एक तरफ मोदी ट्रंप का इस कार्यक्रम में एक मंच पर आना भारत अमेरिका के संबंधों की मजबूती को दिखाता है, वहीं इससे कश्मीर के अंतरराष्ट्रीयकरण की इमरान खान की कोशिशें कमजोर पड़ रही। 26 अगस्त को फ्रांस के बियारिज में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी को लगता है वो खुद मसला सुलझा सकते हैं। ट्रंप ने कहा था, मुझे उम्मीद है भारत पाकिस्तान खुद कोई अच्छा हल निकाल लेंगे। ये कश्मीर पर अमेरिकी दखल या ट्रंप की मध्यस्थता हासिल करने की कोशिशों पर पाकिस्तान को जोर का झटका था। इसीलिए अब जब मोदी और ट्रंप ने एक साथ एक मंच पर आने का फैसला किया है, तो आज दंगल में सवाल होगा कि जब मोदी ट्रंप बोलेंगे तो क्या इमरान की पोल खोलेंगे। आपको बताएंगे आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ये एक तस्वीर भर ही इमरान खान के कश्मीर वाले सपने को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। जम्मू कश्मीर से 370 के खात्मे के बाद इमरान जिन दिनों सबसे ज्यादा आपे से बाहर थे, उन्हीं दिनों फ्रांस के वियारिट्ज में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि दुनिया किधर खड़ी है। और अब तो ये तस्वीर और बड़ी होने वाली है। कुछ इसी अंदाज में मोदी एक बार फिर अमेरिकी भारतीयों के सामने होंगे। 22 सितंबर को टेक्सास के ह्यूस्टन में अमेरिकी भारतीयों के ऐसे ही कार्यक्रम हाउडी मोदी में मोदी के साथ होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस ने कहा है, मोदी ट्रंप की साझा रैली अमेरिकी और भारतीय लोगों के मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक साझेदारी को पुख्ता करने के साथ ही ऊर्जा और व्यापार संबंधों को आगे ले जाने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ह्यूस्टन में शामिल होना संबंधों की मजबूती और अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीय को मान्यता देना है। भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती कश्मीर पर पाकिस्तान के उस एजेंडे को ध्वस्त करती है जिसमें पाकिस्तान कश्मीर पर अमेरिकी दखल का ख्वाब देखता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा में मोदी और इमरान की स्पीच से 5 दिन पहले ही टेक्सास से संकेत जा चुका होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मीटिंग है, जो सालाना मीटिंग होती है उनकी, जो जनरल असेंबली है उसकी, तो उसमें मोदी जी भी बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी बोलेंगे और भी बहुत से लोग बोलेंगे। हम जानते हैं कौन बोलेंगे, वो अपने बहुत चीख पुकार रहे हैं, वो भी जाके बोलेंगे वहाँ। ये बहुआयामी संदर्भ है और बहुआयामी एक तरह की मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री स्वयं इन सब चीज़ों के लिए श्रम करते हैं और पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। तो ये हमेशा अपेक्षा करनी चाहिए कि ये जो उनकी जो यात्रा है अमेरिका की, वो और सफलता के नए चरम छुएगी। अमेरिका के इतिहास में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कोई अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल होंगे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अमित रैना है, वो कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं। मोना आलम हमारे साथ आ रही हैं, वो पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक और पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे जर्मनी से, शहजेब जिलानी, वो स्काइप के थ्रू आज बहस का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी आज दंगल का हिस्सा होंगे। सबसे बात करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं मोना आलम आपके साथ। अमेरिका में मोदी और ट्रंप का एक मंच पर आना, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान जो लगातार कोशिशें कर रहा था कि ट्रंप मीडिएशन कर दे, अमेरिका भारत पर दबाव डाल दे कश्मीर के लिए, वो सारी कोशिशें इमरान खान की फेल हो गई? शुक्रिया रोहित जी। देखिए, मुझे इसके थोड़ा सा बात जो आप बता रहे हैं, आपका जो सवाल है या आपका नैरेटिव है, मुझे उससे बात थोड़ी सी उलट लगती है। मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ कि क्यों और कैसे इस तरह से उलट लगती है कि मुझे पता है आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप अपने सर्कल से ये बात कन्फर्म कर सकते हैं। मुझे इस बात की पक्की खबर है, कन्फर्मेशन है
कि मोदी जी ने फोन किया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और उनको कहा था कि ये जो जग रसाई कर रहे हैं मेरी इमरान खान कश्मीर के मामले पे, मुझे हिटलर कह रहे हैं और मेरे बारे में इतना सख्त उनका टोन है, तो इसको थोड़ा सा हल्का करा जाए, आप उनसे बोलें कि अपने टोन को हल्का करें। इस सिलसिले में एक यूएस के बाकायदा स्टेट डिपार्टमेंट की जो एक रिलीज आई थी उसमें वैसे तो बहुत सारी बातें थी लेकिन ये भी एक सेंटेंस शामिल था कि ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, लेकिन उनका उसी तरह से टोन रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। उन्होंने मुजफ्फराबाद में जो जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था, उसमें भी उन्होंने वही एग्जैक्टली उसी टोन में और उसी स्ट्रेंथ से बातें की जैसे वो पहले कहते थे मोदी को हिटलर कहना हो या उनको किसी भी इस तरह के लीडर के साथ या इस तरह के किसी भी एक्सट्रीमिस्ट के साथ कंपेयर करना हो, तो हमने देखा था कि ये तमाम चीजें उनकी तरफ से की गई थी। दूसरी बात, जब यूएसए में गए थे इमरान खान जी तो इमरान खान ने पहले भी यूएसए में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी रैली से ऑलरेडी खिताब किया था, यानी कि यूएसए से तो जो वॉशिंगटन डीसी में इमरान खान का जलसा था वो इतना बड़ा जलसा था कि आप उसको इजीली कह सकते हैं कि किसी भी दूसरे मुल्क के लीडर का या प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा जलसा इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा था जो इमरान खान का वॉशिंगटन डीसी में जलसा था। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी एग्जैक्टली उसी जलसे को अब कॉपी करना चाह रहे हैं। मोना जी, एक आपके यहाँ बत्ती चली गई, आपका चेहरा दिखना बंद हो गया है, मोमबत्ती जला लें। दूसरा, आपने कहा कि इमरान खान को अपनी बातें बदलने के लिए पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया, उसमें आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि अगर वाकई ऐसा हुआ भी तो भारत अपनी मर्जी की बात डोनाल्ड ट्रंप से करवा सकता है, इस बात की तस्दीक आपने खुद कर दी। और तीसरा, जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में इमरान खान की रैली देखने के बाद मोदी डर गए और उन्होंने अमेरिका में उससे बड़ी रैली करने का प्लान कर लिया, तो वो रैली तो मैडम पिछले कई महीनों से प्लान हो रही थी, वॉशिंगटन डीसी में कई महीनों से जलसा था। मैं तो बोला नहीं, वॉशिंगटन डीसी में जो इमरान खान सुनता रहा आपकी बात, देखिए जलसा था जिसमें पाकिस्तानी, मैंने कुछ बोला नहीं ना बीच में, डायस्पोरा ने पार्टिसिपेट किया था उसको कॉपी कर रहे हैं। मोना जी, मैंने तो कुछ बोला नहीं ना बीच में, मैं सुनता ही रहा ना। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स 6-6, 8-8 महीने पहले तय हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज वहां शादी हुई है तो हम अपने इससे बड़ी शादी करवा लेते हैं, तो थोड़ा इस चीज को समझे। बहरहाल, फिर भी संबित पात्रा के पास मैं आ रहा हूं, वो आपकी बात का जवाब दे देंगे। संबित पात्रा, इन सारी बातों को सामने रखते हुए जो मोना आलम ने कही है, क्या पाकिस्तान के मुंह पर यह तमाचा नहीं होगा जब मोदी और इमरान बोलेंगे, मोदी और ट्रंप बोलेंगे और इमरान खान की पोल खोलेंगे वहां से? देखिए, मुझे नहीं पता था कि हमारी जो मोना आलम साहिबा आती हैं पाकिस्तान से, वो टेलीफोन ऑपरेटर है। मैं आज तक इनको पत्रकार समझा था, मेरे से भूल हो गई। आज इन्होंने कहा कि उन्होंने सुना कि मोदी जी ने फ़ोन किया था ट्रंप साहब को और ये सब कहा था, लिस्ट भी जारी कर दी, जैसे कि बिल्कुल टेलीफोन ऑपरेटरी में वही बैठी हुई थी और क्या क्या बात हो रही थी वो सुन रही थी। बहरहाल, ये तो मैंने मजाकिया अंदाज में कहा। मोना जी अच्छी व्यक्ति हैं, ठीक तरीके से डिबेट करती है। ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, मोना जी, अब आप अच्छी बात है, पाकिस्तान में हंसना दुर्लभ है, मैंने आपको हंसाया। देखिए, बिजली भी नहीं है आपके पास, ठीक है, आप हंसिए ना, हम तो चाहते हैं आप थोड़ा कम से कम हमारी बातों से हंसे तो सही, वरना खाने पीने को पाकिस्तान में आज है नहीं, कौन हंस रहा है वहां पे आज। बहरहाल, हम सीरियस इशू पे, देखिए रोहित जी, ये छोटी बात नहीं है। हाउ डू यू डू मोदी, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी जो कार्यक्रम हो रहा है 22 सितंबर को, जिसमें 50,000 भारतीयों को नरेंद्र मोदी और ट्रंप एड्रेस करेंगे, ये अपने आप में पूरे विश्व में एक बेंचमार्क है। केवल इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं है, पूरे विश्व में एक बेंचमार्क इसलिए है क्योंकि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जो कि अमेरिका है और द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो इंडिया है, इन दोनों के राष्ट्राध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आके विश्व को संबोधित करेंगे। ये केवल 50,000 डायस्पोरा को संबोधन नहीं है, पूरा विश्व उस दिन, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व में हैं, वो इसे टकटकी लगा के देखेंगे क्योंकि बहुत बड़े संदेश इससे निकलने वाले हैं। दूसरी बात है, आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा पूरे विश्व में नहीं हुआ जहां इस प्रकार का संबोधन किया गया हो, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति किसी और राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलकर वहां के डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे हो। ये अपने आप में दिखाता है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका के बीच में है ये कितनी बड़ी है। और देखिए, कोई आज की बात नहीं है, आप 1.5 मंथ्स ले लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर,
इन तीन साढ़े तीन महीनों में आप अगर देखेंगे तो तीन बार ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात हुई थी। इससे पहले आपको याद होगा तो G20 और G7 में मुलाकात हुई थी और G7 में जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज दोनों का रहा था, आपको याद होगा वो जो हाथ थपथपाने वाला मोदी जी ने ट्रंप के हाथ को लेकर थपथपाया था, वो अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी आज ग्लोबल लीडर हैं, रीअश्योरिंग लीडर हैं। मोना जी आप तो पहले बत्ती इत्यादि जला लीजिए, आप मोमबत्ती ढूंढिए मेरे पे, आप इस प्रकार का इल्जाम मत लगाइए। कोई बात नहीं, आप भी तो खुश होती है ना, आप भी खुश होती है जब इमरान खान जाके ट्रंप साहब से कहते हैं कि ट्रंप साहब हाँ हमारे यहाँ सब लोग झूठ बोल रहे थे, मैं ही सच बोल रहा हूँ, आज भी हमारे यहाँ 30,000 से 40,000 आतंकवादी मौजूद हैं, 30 से 40 जो आतंकवादी तंजीमें हैं वो आज पाकिस्तान में सर उठा के जी रही हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे से पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका, मोना जी आप तो ऐसी नहीं थी, मोना जी आप तो कभी बीच में नहीं बोलती थी, मोना जी आप तो ऐसी नहीं थी, क्या हो गया धीरे धीरे, ये आपको शेख अहमद साहब का असर पड़ रहा है, ये आपके रेलवे मंत्री, आपको करंट तो नहीं लगा इस बीच में कहीं, करंट हो तभी आपने बिजली काट दी, एक एक करंट बोल लेना मोना, अच्छा नहीं लगता ना, आप भी बोल रहे थे आपको तो करंट, मोना जी करके बोल ले, पूरा करें वरना आप टोकती रहेंगे फिर उनका खत्म नहीं होगा, तीन लोग और हैं वेट कर रहे हैं, संबित पूरा कीजिए, ठीक है सुन लीजिए। देखिए रोहित भाई आप भूल जाइए हम क्या कहते हैं, ये मोना जी को अगर हिंदुस्तानियों पे विश्वास नहीं है तो आप कुरैशी साहब जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बयान चला दीजिए, चंद दिनों पहले कुरैशी साहब ने क्या कहा, रोते हुए कहा था कि पूरा विश्व हम पे विश्वास नहीं करता है, हम तो जाके सारे कंट्रीज में रोते धोते हैं, छाती पीटते हैं, मगर कोई भी हमारी बात नहीं मानता है, दे ऑल बिलीविंग ओनली इंडिया, यही तो हो रहा है आज, ट्रंप साहब इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, फ्रांस इनकी बातों को नहीं मान रहा है, जापान इनकी बातों को नहीं मान रहा है, कोई इनकी बातों को नहीं मान रहा है, हर कोई इंडिया की बात की तस्दीक कर रहा है, यही हकीकत है ना मोना जी, ये हम तो नहीं कह रहे हैं। और मोना जी मैंने करंट वाली बात इसलिए कही है, अभी एक वीडियो आया है आपके जियो टीवी में चल रहा है, कृपया करके देख लीजिए, आपके जो रेल मंत्री हैं उन्होंने किसी से एक कार लिया था, उसका 22 लाख रुपया बकाया था, चुकाया नहीं था 4-5 साल से, तो आज पार्लियामेंट में आके उस व्यक्ति ने आपके रेल मंत्री के कॉलर को धर लिया है और वहां डांट रहा है कैमरे के सामने कि तुमने मेरा पैसा ले लिया, पैसा वापस कर, और रेल मंत्री गोल गोल भाग रहा है, ये आज पाकिस्तान की हाल है, आप कहां पे कैंडल लगा के डिबेट कर रही है, छोड़िए ना मोना जी। ठीक, शाहजेब जिलानी जर्मनी से आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी और अमित रैना, तीनों से एक एक कमेंट जल्दी से। शाहजेब जिलानी, क्या इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है भारत के मुकाबले, पाकिस्तान के अपने मंत्रियों के बयान तस्दीक नहीं करते कि वो हल्के पड़ रहे हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हम देख रहे हैं कि जो उसूल है कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और पाकिस्तान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचने में, दुनिया को कन्विंस करने में बड़े अरसे से दुश्वारी रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहरहाल मसले हैं जो पाकिस्तान को हल करने हैं। मेरा ख्याल है दोनों देश कोशिश करते हैं अपने मसलों को एक्सटर्नलाइज करने की, भारत जिस तरह से कश्मीर के मामले पे डिनाइल में रहता है, पाकिस्तान उसी तरह से अपने अंदर जो भी जिहादी कैंप्स हैं या जो पहले पॉलिसी रही है उसके बारे में डिनाइल में है, और उसका मसला, उसका नतीजा क्या है कि आप हमारे पूरे रीजन को देख लें कि इतना बड़ा रीजन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा पोटेंशियल, लेकिन हम जिस तरह की मैं अभी गुफ्तगु सुन रहा था पिछले 10 मिनट में, हम उसी में उलझे हुए हैं, उससे हम निकल नहीं पाते। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है या हिंदुस्तान? देखिए, ये जो हालात हैं ये पाकिस्तान के खुद पैदा किए हुए हैं, वो एक के रेंट पे ऐसा फिक्सेट हो गया है कि अब वो शायद रियलाइज नहीं कर रहे कि दुनिया उकता चुकी है। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए मैं अभी ह्यूस्टन से होके आया था, एटलांटा, ह्यूस्टन, वॉशिंगटन इत्यादि 15 दिन मैं वहाँ पे था, और जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ वो बहुत ही वाइब्रेंट है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनका जो जज्बा है, उनका जो देशभक्ति का जो है वो देखने ही लायक, दे आर अ पॉलिटिकल फोर्स, दे आर अ फाइनेंशियल फोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट पाकिस्तान विल हैव टू रियलाइज इज कि भारत हैज़ अराइव्ड, इंडिया हैज़ अराइव्ड। अभी मोदी जी जो हैं पुतिन के साथ बैठकर आए हैं,
काटसा के बावजूद हम जो है S-400 रूस से खरीद रहे हैं, न्यूक्लियर हमारे एग्रीमेंट्स उनके साथ हुए हैं, और जब हम अमेरिका गए हैं हमारी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का जेस्चर कि एक प्राइवेट रैली में जो कि प्रधानमंत्री मोदी वहां कर रहे थे, वो खुद भी वहां पे तशरीफ लाए हैं, वो खुद अपने इलेक्टोरल कैंपेन के लिए इंडियन डायस्पोरा को आउटरीच करना चाहते हैं वाया प्राइम मिनिस्टर मोदी। इट जस्ट गोज टू शो द पोजीशन वी हैव अर्न्ड। नॉट, हमने कोई फोकस नहीं किया नेगेटिव इश्यूज पे, हमने कोई केयर एंट नहीं किया, हमने केवल हार्ड वर्क किया है और अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया है, अपने लोगों की बेहतरी पे फोकस किया है। अगर पाकिस्तान भी ऐसा करता तो आज उसकी ये परेशानी की हालत ना होती जो कि आज दुनिया में उसके सामने है। इट इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल टेरर। जहाँ दुनिया में कोई टेरर इंसिडेंट होता है, सब की सब लोग जो हैं उसको पाकिस्तान से जोड़ते हैं। पाकिस्तान के तमाम नेबर्स उससे परेशान हो चुके हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो। अपने घरबान में झांके, मैं जानबूझ के आप पे कोई व्यंग या ताने नहीं कस रहा, मैं बड़े बड़े तहे दिल से कह रहा हूँ कि आप अपनी हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएं, आपकी 5 बार चेकिंग होगी, आपको मशीन के थ्रू गुजारा जाएगा, हमको हाथ बढ़ा के आगे कर दिया जाता है। कभी आपने रोक के पूछा है क्यों? क्यों? यू आर रिस्पॉन्सिबल आपकी अपनी मिजरी के लिए, ठीक है, आपके लोगों की मिजरी okay. के लिए। वी थॉट इमरान खान थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड व्यक्ति okay. था okay. लेकिन वो मोहरे निकले। ठीक है, ओके okay. शाहजेब जलानी बोल लीजिए अपनी बात, बख्शी साहब को आप जवाब देना चाहते हैं तो फिर अमित रैना आपके पास आ रहे हैं, जल्दी। बख्शी साहब से मैं आप क्या बात करूं, मतलब इतना हेट्रेड किसी देश के लिए जो आपका पड़ोसी हो, मतलब हम भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बड़ी खामियां हैं, लेकिन भारत में मोदी सरकार जो कर रही है पिछले 5 साल से, वो भारतीय शहरियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। हम ये सब देख चुके हैं अपने मुल्क में, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही हैं, हमारे यहाँ किस तरह लोगों को निशाना बनाया गया, किस तरह ताकत के नशे में चूर गवर्नमेंट्स ने वहाँ पे गलतियाँ की। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी हैरत होती है कि भारत डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी कि वहाँ पे लोग खुलकर बोल नहीं सकते, वहाँ पे इस वक्त जो माहौल है वो बहुत खतरनाक है। जिलानी साहब, मैं तो ओनली ये समझता था कि आपने इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझने और बताने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को हिंदुस्तान के लोकतंत्र से तुलना कर रहे हैं। संबित पात्रा, ये मजबूरन है या जरूरतन है? देखिए, ये मजबूरन है। जिलानी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जर्मनी में बैठकर भी उनको इस प्रकार के एक तरह से डिफेंड करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो जानते हैं अगर डिफेंड नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के सरजमीन पे पैर भी नहीं रख पाएंगे। बहरहाल, मैं जिलानी साहब से नहीं उलझना चाहता, मगर उन्होंने जो 4 पॉइंट्स कही हैं मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ फैक्चुअली। नंबर एक, उन्होंने कहा बख्शी साहब हेट्रेड से भरे हुए हैं, इंडिया हेट्रेड से भरा हुआ है। जिलानी साहब, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, हेट्रेड क्या होता है आप जानते हैं। 1988 में जियाउल हक ने लेट्स ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स के अंतर्गत ऑपरेशन टूपैक शुरू किया, और 1988 से 2019 तक इन वर्षों में 42,000 इंडियंस 42,000 भारतीय मारे गए हैं। यह होता है हेट्रेड। हर दिन सीज फायर वायलेशन, हर दिन आतंकवाद को भेजना, ना केवल भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अब यू नेम इट, जहां आपको लगेगा कि आतंकवाद हो रहा है, फुटप्रिंट्स पाकिस्तान तक जाते हैं। खुद आपके इमरान खान कह रहे हैं कि इतनी सारी तंजीमें अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। खुद रशिया में जाके इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो मुजाहिदीन थे, ये जो जिहादी थे, जिसको ट्रेनिंग देने का काम हमने किया था और उनको हमने हीरो समझा था, आप बताइए, आप तो मर्डर एक्सपोर्ट करते हैं, आप तो क्या कहते हैं, सुपारी लेते हैं, कंट्रीज की सुपारी लेते हैं, वो होता है हेट्रेड। ये डिबेट में तो 3-4 लाइन सच कह देना, ये हेट्रेड नहीं होता है। दूसरा, आपने कहा कितनी एट्रोसिटी हो रही है 5 साल में मोदी जी के अंतर्गत। आज के न्यूज़पेपर उठाइए जिलानी साहब, सिंध प्रोविंस में एक हिंदू प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं कहा, उसके बावजूद छोटे से एक लड़के के फॉल्स एलिगेशंस के आधार पर तमाम हिंदू कम्युनिटी के लोगों के घर तोड़ दिए गए, वहां मंदिर बर्बाद कर दिए गए,
मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्ति तोड़ दिए गए, ये तो आलम आपके यहाँ एट्रोसिटीज का है। और तीसरी बात आपने कहा कि डेमोक्रेसी, हम तो डेमोक्रेसी हैं, आप तो डिक्टेटरशिप है। देखिए इंडिया की सुंदरता देखिए, और आज ट्रंप साहब क्यों एक साथ मंच पे आ रहे हैं मोदी जी के लिए। देखिए हम एक ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करती है, लोकतांत्रिक तरीकों को फॉलो करते हुए आज हम पूरे विश्व के एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बने, और हर मंच पे विश्व के आतंकवाद के खिलाफ, क्लाइमेट चेंज के लिए जो निर्णायक भूमिका होती है आज वो भारत अदा कर रहा है। आप देखिए, आप मोदी जी के ह्यूस्टन की मीटिंग के बाद, हाउडी मोदी की मीटिंग के बाद वो क्लाइमेट चेंज पे बोलने वाले हैं अगले दिन, और उसमें निर्णायक भूमिका हमारी होगी। और अंत में कहा कि हमारे यहाँ बोलने की सुविधा नहीं है, आज़ादी नहीं है। अरे जिलानी साहब, आप लोगों की एक बहन इंडिया में है, बोलने की तो छोड़िए। अब्दुल बसीत ने कहा उस बहन को उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही लिख दिया हमारे एक लीडिंग न्यूज़पेपर में। तो आपके तो भाई बहन यहाँ भी है, कहाँ हमने किसको रोका है, वो तो आप लोगों से पैसा लेके यहाँ भी लिख रहे हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ये बोलने की आजादी वाजादी कुछ नहीं है। टीवी देखिए इंडिया के, रोज सुबह से शाम तक हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं कुछ लोग। मैं जिलानी से कमेंट लूं, उसके पहले संबित अमित रैना कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित रैना, कश्मीर को ध्यान में रखते हुए जो पिछले कुछ दिनों में चीजें हुई हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो जो करने की कोशिश की गई है, हाउडी मोदी से पाकिस्तान को कितना दबाव होगा? नहीं बिल्कुल, देखिए एक तो पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान जर्नलिज्म कोर्स में शेख चिल्ली की कहानियां मुझे लगता है करिकुलम का पार्ट है, नहीं तो दोनों एक डेमोक्रेसी के मतलब एक तालिबानी देश हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे ज्ञान दे रहा है, दूसरा जिसे तालिबानी इमरान कहा जाता, तालिबानी खान कहा जाता था, उस पर ज्ञान दिया जा रहा है कि उसका स्टेचर दुनिया में कितना बड़ा है। कल आपके यहाँ मारा, ये कल कन्फर्म किया US ने कि हमजा मारा गया है, उसामा बिन लादेन का बेटा, उसामा बिन लादेन आपके यहाँ मारा जाता है, मुल्ला अमर आपके यहाँ मारा जाता है, उसका बेटा आपके यहाँ मारा, जो आतंकवादी है आपके यहाँ पैदा होता है, आपके यहाँ मारा जाता है, पाया जाता है। तो ये जो आप लोग ज्ञान दे रहे हैं स्ट्रेचर पे, और आज आज ही पाकिस्तान ने FIR लॉन्च करी है कश्मीरियों के खिलाफ जिन्होंने नारे लगाए थे इमरान खान के खिलाफ। तो अगर ये डेमोक्रेसी की बात है कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने नारे लगाए और आप उसको अंदर कर दे, तो हमें आपसे डेमोक्रेसी का लेक्चर तो नहीं चाहिए। खुद अल जजीरा के इंटरव्यू में इमरान खान मानते हैं कि पाकिस्तान अगर कन्वेंशनल युद्ध भारत से करेगा तो हार जाएगा। एजाज अहमद खुद मानते हैं कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें झूठा समझा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी खुद कहते हैं कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रहा है, और ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हमारा स्टेचर दुनिया में बहुत बड़ा है, वॉशिंगटन में हमने कोई बड़ा जलसा कर लिया जिसमें 500 लोग आए थे। कश्मीर को लेकर आप फिक्र ना करें, क्योंकि अगर आपको फिक्र करनी है तो मकबूजा कश्मीर की फिक्र करें, क्योंकि भारत ने अब सह लिया है काफ़ी, और वो नहीं चाहता कि जो हमारे भाई बंधु उस कश्मीर में जो आपसे जूझ रहे हैं, जिन पे आप जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन सहें। और वो मुझे लगता है अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान और POJ के वापस लिया जाए, और मुझे लगता है ये बात हमें अमेरिका में भी करनी चाहिए ट्रंप के साथ। देखने की बात होगी कि अमेरिका के मंच से जब बात होती है तो दोनों नेता क्या बोलते हैं। लेकिन मोना आलम, जब आपके प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को कबूल कर लेते हैं टीवी चैनल पर बैठकर कि हाँ जी हम आतंकवादी बना रहे थे, आपके मंत्री खुद इस बात को कबूल कर लेते हैं कि दुनिया भर में हम हल्के पड़ रहे हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार हो नहीं रहा, आप लोग कैसे डिफेंड करते हैं बैठ के? देखिए मैं तो, मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो अभी हमारे साथ बैठे हैं वहां से कश्मीरी पंडित के एक्टिविस्ट हैं, वो एक तो बात उन्होंने की कि वॉशिंगटन DC में जो एरिना में कैपिटल एरिना में जलसा था इमरान खान का, 500 लोग उसमें थे, उस हॉल की कैपेसिटी मेरा ख्याल है कोई 15,000-20,000 थी, और पूरी हाउस फुल थी, इस हद तक थी कि लोग बाहर तक खड़े हुए थे। अच्छा, कितने तो लोग आप थे? ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है, ये तो एक मतलब लोग थे आपके हिसाब से? एक्सट्रीमली फनी कि आप उसको नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग थे आप ही बता दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ 15,000-20,000 तो उस हॉल की कैपेसिटी है। 15 या 20, 5,000 का फर्क आ जाता है उसी में मैडम। के नहीं 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 शेख चिल्ली कहानियां ना बनाए, डेटा लेके आया करें। मतलब ये वैसी बात हो गई है, ख्वाब बनाते रहते हैं। वैसी बात हो गई है मोना जी, जिससे आपने शुरू किया था कि मोदी ने ट्रंप को फोन किया और मैंने सुन लिया था, ऐसे ही आपने टिकटें भी खुद ही बेच दी वहां बैठ के कि 15,000 थी या 20,000 थी, फिर 15 से 20 हो गई, फिर बाहर भी लोग खड़े हो गए। नहीं ये तो स्टुपिड सी बातें हैं रोहित जी। मैडम शुरुआत किसने की? देखिए शुरुआत किसने की स्टुपिड बातों की? शुरुआत किसने की स्टुपिड बातों की? आप ही ने की ना, कि भाई फोन कर रहे थे और हमने सुन लिया और हमें पता है कि फोन किया है, फोन पे ये बातें हुई है। जब सब कुछ आप ही को पता फिर तो माशाल्लाह, इमरान खान को आप ही से सलाह लेनी चाहिए फिर तो, कि मोना जी बताओ आगे क्या करूं। आपने सुना होगा कि मोदी क्या बात कर रहा है ट्रंप से। आप
तो अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद ही आप डिग्रेड कर रहे हैं। आपको लगता है मोदी जी, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूं, तो आप तो खुद ही मान रहे हैं कि मोदी जी टेलीफोन ऑपरेटर को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं बहन जी। मैडम, आपने खुद ये बातें कही हैं, आप ही की बातों पे सवाल पूछ रहे हैं। मेरे पास तो ना व्हाट्सएप है। आप जैसी बातें करेंगे वैसा ही सवाल होगा ना। आप शाहजेब जिलानी जैसी बात कीजिए जिससे लगे कि हाँ वाकई आपको इंटरनेशनल मामलों की जानकारी है, तो फिर उस हिसाब से सवाल पूछूं। आप देखिए, आप ये तो इतनी स्टुपिड सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ जैसे आपने बात की वैसा सवाल पूछ दिया मैंने। नहीं, अगर आप मुझ पे ये डाउट कर रहे हैं कि कैपिटल एरिना की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं, तो ये मुझे क्या पता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ह्यूस्टन के प्रोग्राम में 50,000 लोग आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से 50 आ रहे हैं, 15 से 20 आ रहे हैं, 20 से 25 आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ह्यूस्टन के प्रोग्राम में 50,000 लोग आ रहे हैं और टिकट लोग क्या लेकर आ रहे हैं। 8,000 लोग अभी लाइन में खड़े जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें मंजूरी मिल जाए। नहीं तो ये 500 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं मोना जी, सिक्योरिटी कंसर्न से एक एक आदमी गिना जाता है, कौन आ रहा है, कहां बैठेगा, क्या नंबर होगा उसकी सीट का। आप जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना रोहित जी, ये पता है आपकी ऑडियंस भी इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। मोना जी, मैं कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपने जो बातें छेड़ी हैं मैंने उन्हीं पे सवाल उठाया, आप अपनी बातों में उलझी पड़ी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए इसमें। आप सिंध की मुझे कंप्लीट करने देना, आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन क्यों करते हैं, आप इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन अपने वहां बैठे हुए लोगों को। अच्छा, तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं है अब। चलिए ठीक है मोना जी, तो मुझे एक बार ब्रेक पर जाने का दबाव है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बिना क्रॉस क्वेश्चन किए आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। संबित पात्रा भी हाथ उठाए थे और जीडी बख्शी साहब भी हाथ उठाए। ह्यूस्टन में मोदी ट्रंप बोलेंगे इमरान खान की। हमारे साथ पांच खास मेहमान हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, संबित पात्रा हैं, अमित रैना हैं, शाहजेब जिलानी और मोना आलम दोनों पाकिस्तान के पत्रकार हैं। शाहजेब जिलानी जर्मनी से हमारे साथ हैं और मोना आलम इस समय पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले संबित पात्रा और जीडी बख्शी दोनों की बात रह गई थी, संबित अपनी बात रखिए फिर बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं। संक्षेप में बोलिए संबित। देखिए मोना जी, जब से डिबेट कर रही है तब से एक ही बात कह रही है कि वॉशिंगटन के एरिना वन में बहुत बड़े क्राउड को इमरान खान ने संबोधित किया था और मोदी जी उनसे सीख रहे हैं। देखिए मैं एक एक करके तथ्य रखूंगा, आपको जान के आश्चर्य होगा रोहित भाई, कि पहली बात तो है ये 3 डे विजिट के लिए जब इमरान खान अमेरिका पहुंचे थे, वॉशिंगटन पहुंचे थे, तो उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी नहीं मिला था। कोई ऑफिसर उनको यूएस से रिसीव करने नहीं आया था, उनको रिसीव करने खुद कुरेशी साहब उनके खुद के विदेश मंत्री आए थे और उनके विदेश मंत्री ने बाद में कहा अमेरिका ने तो हमें स्नब कर दिया। दूसरी बात है, अब जो कहूंगा रोहित जी आप हंसेंगे, पूरे अमेरिका के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था इमरान खान की रैली के लिए कि डायस्पोरा से मिलेंगे और हलवा पूरी फ्री होगा। आप बिलबोर्ड्स देखिए न्यू जर्सी में, थ्रू आउट न्यू जर्सी ये बिलबोर्ड लगे थे कि वो पाकिस्तानी जो हलवा पूरी के लिए इच्छुक है, फ्री हलवा पूरी के लिए, वो एरिना वन में इमरान खान जी की मीटिंग सुनने आए। आप बताइए हलवा पूरी के माध्यम से ये लोगों को बुला रहे थे, उसके हमारे पूरे आप गूगल करके देख लीजिए, हलवा पूरी गूगल और हलवा पूरी इमरान खान, ये चार शब्द गूगल करेंगे तो आपको वो सब दिख जाएगा। तीसरा है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो एरिना वन के बाहर में डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, बाकायदा अपने ही पीएम के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी और कह रही थी कि पाकिस्तान में परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटीज का। इमरान खान जब एरिना वन में पहुंचे भाषण के लिए तो बलूचिस्तान लिबरेशन ग्रुप के लोगों ने वहां हंगामा काट दिया, वहां इमरान खान गो बैक, इमरान खान गो बैक, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगे हैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहिए। सारे बलूच वहां पे और सिंध के लोगों ने इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल वहां पर प्रोटेस्ट छेड़ दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ गया। ये इनकी हालत है और यहां वे बोल रहे हैं कि मोदी जी इससे सीख रहे हैं। अरे मैडिसन स्क्वायर 2014 में हुआ, सिलिकन वैली 2016 में हुआ, 20-25 हजार लोगों को, भारतीयों को 20,000 अंदर 5,000 बाहर, इतने इतने लोगों को मोदी जी ने वहां संबोधित किया। आपसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है मोना जी। बख्शी साहब बोलिए, फिर मोना जी के पास ही आता हूँ, मोना जी कुछ बोलना चाह रही हैं। बख्शी साहब बोल लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? रोहित, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आंसर अ वेरी बहुत सीरियस चार्ज जो मेरे खिलाफ लगाया है जिलानी साहब ने। जिलानी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाति तौर पे पीपल टू पीपल वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम उनके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं कि उन्हें कभी जो है डेमोक्रेसी का चस्का ही नहीं मिला, 30 साल
पाकिस्तान की फौज ने राज किया डायरेक्ट, और बाकी जो है जो 43 इयर्स इनडायरेक्टली आर्मी बिहाइंड द सीन्स कंट्रोल कर रही है। माय प्रॉब्लम शहजेब साहब इज विद द डीप स्टेट इन पाकिस्तान, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद यू, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद मोना, ठीक है साहब? व्यक्तिगत रूप पे वी कैरी नो ग्रजेस, वी कैरी नो हेट्रेड्स एज अ पीपल। हमारी प्रॉब्लम है आपकी डीप स्टेट के साथ, जिसने जिस दिन से वो आई थी, जिस दिन से पाकिस्तान फॉर्म हुआ 56 में अयूब खान साहब ने चार्ज ले लिया था आपके मुल्क का, डेमोक्रेसी क्रश कर चुके थे, ठीक है? और फिर वो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को लगातार साउथ एशिया में लाते रहे हैं, आउट ऑफ व्हाट जनानी? इट इज आउट ऑफ हेट्रेड फॉर इंडिया। हेट्रेड जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, हमसे ज्यादा आपको लागू है। जिस तरह आपने चीन को बुलाया, जब हम चीन के दबाव में थे, किस तरह आपने जाके शख्सगाम वैली वहां पे दे दिया चीन को, दैट इज हेट्रेड। कि जैसे हो मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैं भारत को बर्बाद देखना चाहता हूं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर डीप स्टेट। और आपकी जब तक डीप स्टेट है, हमारे रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। जब तक बाजवा साहब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स लाएंगे, 3 साल की प्रमोशन कमाएंगे और लगातार अपने आप को गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड समझेंगे, हमारी प्रॉब्लम तो चलती रहेगी साहब। क्योंकि ना आपकी डीप स्टेट चैन से जीती है, ना किसी को चैन से जीने देती है, ठीक है? उन्होंने आपकी इकोनॉमी की तबाही कर रखी है। इफ यू आर इन सच इकोनॉमिक ब्लैक होल टुडे, आपकी डीप स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, और जब इमरान खान साहब बेचारे आपके कमेंट का जवाब ले रहे हैं जिलानी से, वो मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल किए, मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल किए और बस में ट्रैवल किए, ये आपका हालात है। किसने किया? ठीक है, आपकी फौज ने। ओके, वो आपको भी उससे जिलानी से कमेंट जितना शायद हमको, ठीक है? जिलानी, आप कमेंट करना चाहते हैं वापस बख्शी साहब को, बोल रहे अपनी बात। मैं रोहित ये कह रहा था कि जब मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुक किया आपके प्रोड्यूसर ने, तो मैंने हमेशा ये कहता हूँ बहुत क्लियरली कि आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है? तो ये जब आपके प्रोग्राम में आते हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं क्या करें, अस्यूम नहीं क्या करें कि पाकिस्तान से जो भी है वो कोई आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का व्यू देगा। अगर आपने इंडिया पाकिस्तान को बहस करानी है, लड़ाई करानी है, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हु विल बी अवेलेबल एंड विल डू। लड़ाई तो हुई नहीं आज, आपने देखा नहीं कभी तारिक पीरजादा को शायद टीवी पे, जो पाकिस्तान से आते हैं? आपने देखा नहीं? वो शायद एक दो और आते हैं जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है, कमर चीमा, वो न्यूक्लियर बटन लेके बैठते हैं साथ में, ऐसा लगता है। आप लोग तो बड़े जहीन है दोनों बैठे हैं जो आज, और कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा। हमें आपके ऑडियंस को सामने रखना चाहिए ना कि वो इस गुफ्तगू से क्या हासिल कर रहे हैं। इफ इट इज अबाउट प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, देन वी आर ऑल वेस्टिंग आवर टाइम। पाकिस्तान में जिस तरह से हमने सफर किया है बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप, बिकॉज ऑफ आर्मीज इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, मैं पाकिस्तान में रह के इस पर बात करता रहा हूँ, बोलता रहूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान विच इज एट पीस विद इटसेल्फ एंड विद इट्स नेबर्स। बट दैट डजंट टेक अवे, उसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सब सही है, या इस वक्त जो मोदी सरकार जिस तरह ताकत के नशे में है वो जो कुछ कर रही है, बाकी भारतीय जो है या वो चुप हैं या खामोश हैं, जो कुछ भी हैं कि वो सही है, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि बख्शी साहब के लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, डू नॉट डायरेक्ट इट टू द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि we do not represent the Pakistani government's point of view, or at least I don't. Maybe Mona does, you can ask her, but I don't. ठीक है सर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी मोदी साहब गए नहीं है अमरीका, उनको जाने में मोदी सरकार के ऊपर, और मैं ये देख रहा हूँ की आपके पैनल पर एवरीबडी इज स्पिनिंग इट कि ये एक एंडोर्समेंट होगी ट्रंप साहब की तरफ से जो कुछ भी मोदी साहब ने किया है कश्मीर के लिए। अभी वो गए भी नहीं है, और ये आप अभी शहजेब जिलानी, इससे पहले जो कुछ हुआ है उसके बाद भी आपको एंडोर्समेंट की दरकार है? भी आप और इंतजार कर रहे हैं एंडोर्समेंट का? जब इमरान खान ने साथ बैठ के कहा कि हम चाहते हैं मीडिएशन कर दें, और मोदी के साथ बैठ के ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया कि मीडिएशन का कोई मसला ही नहीं है, हिंदुस्तान अपने आप कर पाने में सक्षम है, तो इसके बाद आपको क्या एंडोर्समेंट की दरकार है?
नहीं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हर पढ़ा लिखा इंसान समझता है कि इस वक्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका का और इंडिया का वो डोमिनेट करता है बाकी तमाम चीजों पे। तो ये बात इमरान खान नहीं समझते क्या, या अपने वोट बैंक के चक्कर में दिखाना चाहते हैं कि नहीं समझता हूं मैं? कि ह्यूमन राइट्स का मामला, कश्मीरी सेल्फ डिटरमिनेशन का मामला विल टेक अ बैक सीट। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, दैट्स गिवन, यू डोंट नीड टू। सर ह्यूमन राइट तो आप जिस जर्मनी में बैठे हैं सर, वहां सबसे ज्यादा बलोच छुपे हुए आके रोहित जी, जो हमें फोन करके कहते हैं कि जर्मनी से मैं आने को तैयार हूं, मुझे लाओ डिबेट में, मैं बताता हूं कि इमरान खान की सरकार क्या कर रही है वहां पे बैठ के, झूठ कह रहा हूं तो बता दीजिए। बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, दे वुड प्रेफर कि वो मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन उनके लिए जगह तंग कर दी गई है। हम पाकिस्तान के अंदर रह के इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त आपका जो रिस्पेक्टेड पैनल है, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, उसमें मुझे डिवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं मिल रहा, उसकी क्या वजह है? अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाउ कम कि आपके पैनल में किसी कोई भी ये सवाल नहीं उठ रहा कि कश्मीर को हम मिसहैंडल कर रहे हैं? कश्मीर इज अ वॉल्केनो, कश्मीर अगर फट पड़ा तो सबको महंगा पड़ेगा, और उसको टैकल करने का कोई पॉलिटिकल तरीका भी होना चाहिए, ना कि आप ताकत के जोर पे जो है बुलडोज करते जाएं हर चीज को। सर पिछले 70 साल में ये ओपिनियन कभी नहीं मिला, पाकिस्तान ने हर बार ताकत ना होते हुए भी ताकत के जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करने की जुर्रत की है, और साथ साथ पैरेलली संबित पात्रा भारत बातचीत का रास्ता लगातार खोले रहा। पिछले 4-5 साल छोड़ दीजिए तो कब बातचीत नहीं हुई पाकिस्तान के साथ? उसके बाद भी यहां बैठ के ये पढ़ाया जाए कि नहीं हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है, और पाकिस्तान क्या करेगा, केवल बम बनाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि हमारे पास 150-150 ग्राम के एटम बम है। देखो संबित, देखिए रोहित जी, जिलानी साहब ने कहा कि मोदी जी अपने ताकत की आजमाइश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो भी कश्मीर में कर रहे हैं। देखिए जिलानी साहब, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपको एक बात बता दूं, आर्टिकल 370 वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारत के संविधान का हिस्सा था, पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं था, वो टेम्पोररी ट्रांजिएंट प्रोविजन था, वो परमानेंट प्रोविजन नहीं था। और तीसरा, भारत के संविधान के हिस्से के ऊपर भारत के पार्लियामेंट संसद में चर्चा हुई और सबके सहमति के पश्चात, डेमोक्रेटिक चर्चा के पश्चात उसे हटा दिया गया। ये अधिकार हमारा है, ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है। आप डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कंफ्यूज ना करें सर, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सालों से आप एक कंफ्यूज स्टेट में हैं। मगर मैं आप मतलब इंडिविजुअल जिलानी को नहीं कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं। दूसरा, पाकिस्तान क्यों परेशान है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से? जैसे मैंने कहा था, जनरल जियाउल हक ने कहा था अपने ऑपरेशन टुपैक में कि डायरेक्ट युद्ध में हम इंडिया से जीत नहीं सकते हैं। आज भी इमरान खान ने कहा है कन्वेंशनल वॉर होगा तो हम हार जाएंगे और हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे। उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था तो जियाउल हक कहते थे हम नहीं जीत पाएंगे, सो लेट अस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और ऑपरेशन टुपैक में आर्टिकल 370 का मेंशन है, वो कहते हैं कि अलगाववाद को भड़का करके, यूथ को टेररिज्म में ला करके, यहां से हम टेररिज्म भेज करके कश्मीर में लोगों को मौत के घाट उतारेंगे, वहां एक टर्मोइल रखेंगे। आप वॉल्केनो के लावा थे, लावा, यू वर द लावा ऑफ द वॉल्केनो। और जहां तक आप कह रहे कि वॉल्केनो है कश्मीर, एब्सोल्युटली नॉट, जन्नत है कश्मीर। आप लोगों ने कोशिश की कि उसको वॉल्केनो बनाएं, वो कभी वॉल्केनो नहीं बन पाया। सो फॉर गॉड सेक आप यहां झूठ ना बोले, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था, हमने किया है। ओके अमित रैना, जो बात कश्मीर को लेकर वो कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान का दर्द इस बात की वजह से ज्यादा है कि 370 हटने से जो प्रोपेगेंडा वो खुल के चला पा रहे थे अब नहीं चला पाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ, पाकिस्तान का लक्ष्य रहा है गजवाए हिंद, और उनका लक्ष्य रहा है कि लाल किले पे गजवाए हिंद का तिरंगा, उनका जो झंडा है वो फहराया जाए, और उनके लिए लगता था कि कश्मीर इज़ द रूट और कश्मीर इज़ द रोड मैप, और अब कश्मीर उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उनका जो उनका गजवाए हिंद का सपना वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये बौखलाहट उसी कारण है। बात अभी गिलानी साहब बात कर रहे थे हेटरेट की, आप बताइए एज अ स्टेट आपने ऐसी कौन सी हरकत करी कि आपसे प्यार किया जाए? आपने 47 में पाकिस्तान बनवाया, 15 लाख लोग मरवाए, लाखों लोग बेघर हो गए। उसके बाद आपने 65 में युद्ध किया, उसके बाद आपने अपने बांग्लादेशी भाइयों को, 30 लाख बांग्लादेशी भाइयों को मारा और उन्हें भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। उसके बाद आपने 99 में युद्ध किया, यू बिहेडेड आवर सोल्जर्स, और आपने अपने सोल्जर्स के क्या सलूक किया वो सारी दुनिया को पता है। उसके बाद आपने कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को बेघर करवाया, उनका एथनिक क्लेंसिंग करवाया। उसके बाद आपने तकरीबन 42,000 कश्मीरी को मरवाया आतंकवादियों के हाथ, और आज आप कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं।
वहां गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर आपने उसको अपना पांचवा प्रदेश बनाने का प्रयास कर लिया है। अगर आपको इतनी फिक्र है डेमोग्राफी की और जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, यूनाइटेड नेशंस का इशू है, तो आपकी हिम्मत कैसे भी गिलगित बाल्टिस्तान को पांचवा स्टेट बनाने की, आपकी हिम्मत कैसे भी चाइना को उसका पार्ट देने की, क्या खाला जान की प्रॉपर्टी थी क्या वो आपने बांट दी? तो ये आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि आपसे प्यार किया जाए। अगर हम आपसे नफरत नहीं करते हैं तो हम आपसे प्यार भी नहीं करते, और हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक मंच पर आएंगे, दुनिया को एक संदेश जाएगा, उसके बाद भी क्या पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा पर लगाम लगेगी? लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।